मैं डॉक्टर उषा सिंह, चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन खुसरो की तरफ से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं लावारिस गायों के लिए, जो गायें जहां तहां पॉलीथीन खा के इधर उधर भटकती हैं और कसाई में चली जाती हैं, उनके लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है गौशाला बनवाने का। ईश्वरी कृपा कहिए या जो कहिए, जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात आई उस दिन हम अंगवाली गांव में आए और यहाँ के अंगवाली वासियों से मिले, जिसमें कि मुखिया जी, अंगवाली के मुखिया जी नाम क्या था, गौरीनाथ जी, लक्ष्मण जी, विवेक जी और भी बहुत सारे लोग मिले हमसे और सब बोले कि मैडम ये तो बहुत जरूरत है यहाँ, सच में यहाँ गायें बहुत इधर उधर आवारा बिचरती हैं, कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार मर जाती हैं, बीमार पड़ी रहती हैं और कसाई में चली जाती हैं, तो यहाँ का एकदम जरूरत है, नीड है, आप शुरू कीजिए और हम लोग सब आपके साथ हैं और हम लोग साथ देंगे। और पूरे गांववासी के सहयोग से, मुखिया जी के सहयोग से, लक्ष्मण विवेक जी और बाकी बहुत सारे लोग, सबके नाम तो मैं गिना नहीं सकती, हिमाचल जी सब लोग का नाम तो मैं गिना नहीं सकती हूँ, लेकिन सारे गांव के लोग बहुत सहयोग किए हैं और इस गौशाला को खड़ा करने में लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा हाथ है। लक्ष्मण जी बहुत जल्दी दिन रात एक करके इस गौशाला को खड़ा करवाए हैं और यहाँ अभी से ही हम लोग के पास अनाथ गाय, लावारिस बछड़ा सब मिल रही है और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो खुद से ला के दे रहे हैं, जिसमें सुशील हमारे पास अभी चार गाय को सुशील अग्रवाल ला कर दिए हैं। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता लोग, जैसे रंजन है, हमारा अपना भतीजा है आनंद है और बहुत सारे कार्यकर्ता, रंजीत है, विकी है, सब लोग का बहुत सहयोग है। मैं नाम कितनों का गिना सकती हूँ, नाम नहीं गिना सकती हूँ, पर यही कहूंगी कि ईश्वरीय कृपा है कि ये गौशाला में अभी सब लोग, पूरे गांववासी लोग और अगल बगल के लोग सभी सहयोग कर रहे हैं और सब खुसरोवासी से भी मेरी ये है एक तरह से आग्रह है, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी इस गौशाला में सहयोग करें, जैसे भी कर सके, शरीर से कर सके, गाय को पहुंचा के कर सके, कोई दूसरे तरह से अनुदान देकर कर सके, अपने माँ बाप पूर्वज के नाम से कुछ शेड बनवा के कर सके, पानी का कुछ पानी रखने के लिए टंकी बनवा के कर सके, जैसे भी आप लोग कर सके, यदि आप सभी सहयोग करेंगे तभी हम लोग इस गौशाला को बहुत अच्छे से चला पाएंगे और कोई भी लावारिस गाय जहाँ तहाँ पड़ेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, कटेगी नहीं, लेकिन आप सबका सहयोग का जरूरत है। थैंक यू सो मच। मैं विवेक मिश्रा, यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि यह गौशाला अंगवाली के सभी ग्रामीणों के सहयोग से और डॉक्टर मैम के मदद से ही ये संचालित हो रहा है। इससे पूर्व जहां तक मुझे जानकारी है, जब गौ माताओं की मृत्यु होती है तो ज्यादातर गौ माताओं की मृत्यु या तो लीवर कैंसर से होती है या बोन कैंसर से, और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है लावारिस गायें, जो जब दूध नहीं दे पाती हैं गायें तो उसके मालिक उन्हें छोड़ देते हैं, वो जहां तहां चरती रहती हैं, प्लास्टिक खा जाती हैं या किसी कसाई के हाथ चढ़ जाती हैं। तो इस गौशाला के उद्घाटन से एक चीज मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आसपास की जितनी भी गौ माताएं हैं या नंदी महाराज हैं उनकी सुरक्षा होगी यहां पर और वे किसी बीमारी से नहीं मरेंगी और न कसाई खाने में जाएंगे, इतना मैं जरूर आश्वस्त कर सकता हूं और डॉक्टर मैम की तरफ से यही प्रयास करूंगा।